ये बैठे रहेंगे यहाँ कमरे में, चुनाव लड़ाएंगे, ऐसे ही लड़ाई होगी। वो पता था कि वो नहीं जीत पाएंगे। हाँ, अपनी हार के लिए बधाई दूंगा भाजपा और बसपा के गठबंधन। एक बार जनता ने उनको चुना था और वो 3 साल में छोड़ के चले गए। आजमगढ़ और रामपुर के नतीजों ने सपा को बड़ा झटका दिया और ऐसे में बीजेपी इन नतीजों को 2024 के लिए बड़ा संदेश बता रखी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अखिलेश यादव का MY फैक्टर कमजोर हो रहा है? और तो और सवाल ये भी कि क्या समाजवादी पार्टी को यादव ही वोट नहीं दे रहे और यही नतीजे क्या 2024 में भी देखने को मिलेंगे? देखिए इस रिपोर्ट। उपचुनाव से मिला 2024 का संदेश। लेश के गढ़ में MY हुआ फेल। बुआ ने बबुआ का बिगाड़ा खेल। रामपुर और आजमगढ़ के नतीजों ने बीजेपी में नई ऊर्जा भर दी है। आलम यह है कि CM योगी जहां नतीजों के लिए सबका साथ सबका विकास की बात कह रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का दावा है कि ये नतीजे 2024 के लिए संदेश हैं और बीजेपी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली है। आज के इस चुनाव ने एक बार फिर से प्रदेश के दम्भी, नकारात्मक सोच और अपनी विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए कुख्यात ताकतों को, उन परिवारवादी ताकतों को एक बार फिर से स्पष्ट संदेश जनता जनार्दन ने दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से 80 से 80 सीटों की ओर विजय श्री की ओर अग्रसर हो रही है। बीजेपी उत्साहित है और अभी से 2024 की तैयारी में जुट चुकी है, लेकिन आजमगढ़ का किला ढहने से सपा को बड़ा झटका लगा है। हालांकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव का दावा है कि यह हार बसपा की वजह से हुई है। हालांकि बसपा उम्मीदवार गुड्डू जमाली सपा को अपनी हार के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। मात्र हमने 12-14 दिन का चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक समर्थन हासिल किया आजमगढ़ के लोगों का। जहाँ तक आपके पत्रकार साथी हार के कारण पूछ रहे हैं जी, तो मैं अपनी हार के लिए बधाई दूंगा भाजपा और बसपा के गठबंधन को, जो प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रपति के चुनाव में भी सामने आ गया है और आजमगढ़ के चुनाव में पहले से चल रहा था। 3 लाख वोट पाने वाले को आप अगर डमी बताएंगे तो इससे बड़ा दो डेमोक्रेसी में फिर तो किसी ऐसे आदमी को लड़ना ही नहीं चाहिए जिसकी जीत के बारे में ये शंका हो कि जीतेगा या नहीं। सारी पार्टीज को बंद करा दीजिए। समाजवादी पार्टी यही चीज बार बार कह रही थी। समाजवादी के बारे में हम ये कहते हैं कि उन्होंने हमारे रास्ते में टांग अड़ाया वरना हम जीत रहे थे जी। वो उन्होंने आके हमारा रास्ता मुश्किल किया वरना तो हम एक तरफा जीत जाते। समाजवादी पार्टी कुछ भी आरोप लगा रही हो, लेकिन निरहुआ का दावा है कि अखिलेश यादव को मालूम था कि वो हारने वाले हैं, इसलिए प्रचार के लिए ही नहीं आए। नहीं नहीं, ये उनको थोड़ा मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। जब 2019 में लड़े थे तो उन दोनों का गठबंधन था, इसलिए नहीं तो उसी बार वो लोग हार गए होते। तो इस बार जब अलग अलग लड़े, बसपा अलग लड़ी, सपा अलग लड़ी, बीजेपी अलग लड़ी, तो जनता का समर्थन जो है भारी पड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ और कमल खिला है। कॉन्फिडेंट नहीं थे, उनको पता था कि वो नहीं जीत पाएंगे। हाँ, क्योंकि एक बार जनता ने उनको चुना था और वो 3 साल में छोड़ के चले गए थे, उन्होंने कुछ किया नहीं था, तो उनको पता था कि जनता उनको नकार देगी और वही हुआ। सिर्फ विरोधी ही नहीं बल्कि सपा के सहयोगी दल का मानना भी कुछ ऐसा ही है। सुभाषपा प्रमुख OP राजभर ने तो ये तक कह दिया कि अखिलेश यादव को AC कमरे से बाहर आना होगा। 24 घंटा चुनाव मूड में रहती है, ये जब चुनाव का बिगुल बज जाएगा, सूचना जारी हो जाएगी, नामांकन का अंतिम 3 दिन रहेगा, तब प्रत्याशी देंगे, ऐसे लड़ाई नहीं होगी। यहाँ कमरे में चुनाव लड़ाएंगे, ऐसे ही लड़ाई होगी। कम से कम एक टीम भावना से काम करती है टीम। हम लोग जूझ रहे हैं क्षेत्र में, ये बैठ के लखनऊ में AC का हवा ले रहे हैं। ये नहीं जा सकते थे, इनको भी जाना चाहिए। भेज दिए कि जाओ योद्धा, तुम लड़ो, कमांडर लापता रहे। हालात रामपुर में भी कुछ ऐसे ही हैं, जहां आजम खान के किले को बीजेपी ने ढहा दिया है और ऐसे में आजम खान ने सवाल खड़े कर दिए और दावा कर रहे हैं कि जहां 900 की पोलिंग थी वहां सिर्फ 6 वोट डले। हालांकि घनश्याम लोधी अपनी जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं की मेहनत को दे रहे हैं। चुनावी नतीजे कहाँ है, चुनाव था ही कहाँ, इसे ना आप चुनाव कह सकते हैं ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट बस्ती है मुसलमानों की, 500 का पोलिंग मोहल्ला है मुसलमानों का, 1 वोट
तो ये जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं हमारे जो यहाँ की जनता है और हमारे जो नेता है ना उसको जीत का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि ऐसी धूप में ऐसी मेहनत की है बेचारों ने कि आपने ना दिन देखा ना रात देखा सब लोग लगे। आजमगढ़ में जहां यादव वोटर हार जीत तय करते हैं और रामपुर में मुस्लिम समुदाय हार जीत तय करता है, तो क्या समाजवादी पार्टी का MY फैक्टर कमजोर हो रहा है और क्या कमजोर होते MY का फायदा बसपा और BJP को हुआ? सवाल ये भी कि अखिलेश यादव प्रचार करते तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। ब्यूरो रिपोर्ट R9 न्यूज़।